पीडीपी प्रमुख आणि जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधलाय. तर पाकिस्तान सरकारचं कौतुकही केलंय. मोदी सरकारचं प्राधान्य हे शहराचं नामकरण करणं आणि अयोध्येमध्ये राम मंदिर उभारणं ह्यालाच आहे. सर्व मुस्लिम ठिकाणांची नावं आता हिंदू होत असल्याचं मुफ्ती यांनी म्हटलंय. तर दुसरीकडे मात्र पाकिस्तान सरकारनं वन आरक्षित विभागाला शिखांचं गुरु नानक यांचं नाव देण्यासाठी पुढाकार घेतल्यानं आनंद होत असल्याचं म्हटलंय आणि आपलं म्हणणं योग्य असल्याचं त्यांनी ह्या ट्विटच्या माध्यमातून स्पष्ट केलंय. जितने भी हमारे पुराने इमारतें हों, पुराने शहर हों, जिनके भी नाम मुसलमानों के नामों से मिलते जुलते हैं, उनके नाम तब्दील करके उनको हिंदू नाम लगाए जाते हैं, हिंदू नाम रखे जाते हैं. इसके अलावा आपने देखा कि इस वक्त एक दौड़ लगी है जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो उसका ढांचा है उस पर मंदिर तामीर करने की. कभी एक जमात कहती है हम करेंगे, दूसरी जमात कहती है हम करेंगे. तो ऐसा लगता है पूरे मुल्क में जो सियासत चल रही है वो हिंदुत्व के ऊपर चल रही है. तरफ से पाकिस्तान ने हाल ही में वहाँ जो मंदिर है उनके बचाव के लिए, उनके रख रखाव के लिए एक एक्ट लाया और अभी गुरु नानक जी देव के नाम पे वहाँ का एक जो है जंगल का एक जो रिजर्व है उसका नाम और एक यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं. तो दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो हमारा मुल्क जो एक सेकुलरिज्म के नाम पे जो बना था, जिसकी बुनियाद रखी गई थी और पाकिस्तान की बुनियाद मजहब के नाम पे रखी गई थी, तो कहीं लगता है कि कुछ अदल बदल हो रहा है.